वेलकम टू, अरे छोड़ो यार वेलकम को, देखो आज मैंने निकाल ली है पानी की हवा। भाई बोले तो पानी को करना इलेक्ट्रोलाइज, यानी कि पानी में से HHO गैस बाहर करनी है। अब वो कैसे होगा वो मैं कर दूंगा। अब देखो वो होता है नमक से, मैं इस्तेमाल करूंगा कास्टिक सोडे का। अब उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड लगते हैं वो बहुत सारी मटेरियल्स के, यानी बहुत सारी धातुओं के लगते हैं, कार्बन के भी लगते हैं, मगर क्या कास्टिक सोडे के साथ कार्बन इलेक्ट्रोड काम करेंगे, यानी कि ग्रेफाइट काम करेगी, यही सब कुछ देखना है। और पानी में से हवा मेरा मतलब है HHO गैस कैसे निकलेगी वो भी देख लेते हैं, काम होगा कि नहीं ये तो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो भैया सब्सक्राइब कर लें, ये जो इस तरफ लटक रहा है ना, अरे काला वाला बटन, हाँ हाँ सब्सक्राइब का, तो वो दब जाना चाहिए। चलाओ करके देख लेते हैं, अरे एक्सपेरिमेंट, प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो भैया पानी को जलाने के लिए इस तामझाम की ज़रूरत होती है, देख रहे हो ना ये गिलास है, गिलास के अंदर एक सिलिकॉन रॉड लगाई हुई है और उसके अंदर ये दो करंट के तार हैं, मगर इसके आगे भी इलेक्ट्रोड लगते हैं, बताऊंगा कैसे। तो भाई ये क्या है, इसको कहते हैं हाइड्रोमोनो। अब इसका फॉर्मूला होता है H2O। अरे यार सादा जबान में इसको कहते हैं पानी, अरे वही पानी जो आप और हम पीते हैं, हाँ हाँ मीठा पानी है। अब इसको लेंगे इस गिलास के अंदर, फिर क्या होगा, अरे बता रहा हूँ ना पानी को जलाना है हमने, और वो भी फ्यूल बना के, यानी कि गैस की हालत में। तो भैया इस पानी को हमने ले लिया यहाँ पे, अब क्या होगा, अब देखो एक और प्रोसेस, इसको कहते हैं कास्टिक सोडा, यानी कि NaOH, ये इसका फॉर्मूला है। अगर इसको कुछ देर खुली हवा में रख देते हैं ना, जो कि मैंने रख दिया था पीसने के बाद, तो फिर वो ऐसा हो गया थोड़ा शीरे की तरह, और उसको मिला दिया हमने इस पानी में। वो शीरे की तरह क्यों हो गया, वो इसलिए कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो गई, यानी उससे उसने रिएक्शन कर लिया। तो भाई गिलास के अंदर ये सिलिकॉन रॉड लगाई है, इसके अलावा इसके अंदर दो आप देख सकते हैं ग्रेफाइट रॉड्स हैं, ये मैंने सेल से निकाली है, अरे वही पेंसिल सेल जो रिमोट के अंदर डलता है, और इसके अंदर दो इलेक्ट्रिकल वायर लगा दिए, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मेरे पास है 24 वोल्ट और 2.5 एम्पेयर की पावर सप्लाई, जिससे मैं इसको कनेक्ट करूंगा। तो भाई इसके अंदर वही जो पानी था ना कास्टिक गुलावा, वो डालेंगे, आप देखो होता क्या है। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। तो भाई अब हम देंगे इसको पावर सप्लाई, यानी कि वही जो 24 वोल्ट 2.5 एम्पेयर की पावर सप्लाई थी उसका पावर ऑन कर देंगे, और फिर आप देखना ये कितनी देर काम करता है, फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। लो भाई चल पड़ा। तो भाई कुछ देर काम करने के बाद अब इसने एक आध झटके लिए और अब ये सिस्टम हमारा बंद हो गया। अब हम कॉपर वायर को डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी देर चलता है, क्या ये चलता रहता है या ये भी रुक जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट रॉड यहाँ पे नाकाम हो गई है पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए। देखो भाई चल पड़ा। तो दोस्तों ये प्रोसेस काफ़ी देर तक चलता रहा और ये सिस्टम रुकता नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट तार इन्वॉल्व हुए हैं। तो भैया एक तार में हाइड्रोजन निकल रही है और दूसरे के अंदर ऑक्सीजन निकल रही है, इसको HHO गैस भी कहते हैं, ये फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है। तो भाई पावर रोकने के बाद देखें कास्टिक सोडे ने पानी का क्या हाल कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रोलाइज होने के बाद ये पानी भी नीला नीला सा हो गया है, ऊपर से देखो कुछ इस तरह से मंदर था जब ये चल रहा था सिस्टम, समझ रहे हो ना। तो बस इस तरह साइंस सीखा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोबारा भी आ जाना।